देखो एक्सरसाइज 8.2 का थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल दे रखा है, ठीक है। और पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड। देखो पी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, क्यू है बी सी का मिड पॉइंट, आर डी सी का मिड पॉइंट है और एस ए डी का मिड पॉइंट है। हमें प्रूव करना है शो दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। तो प्रूव करना है पी क्यू आर एस क्या है, एक रोम्बस है। तो देखो रोम्बस प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा, एक तो पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, और इसकी चारों साइड इक्वल प्रूव करेंगे। तो पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं पहले, फिर चारों साइड क्या प्रूव कर देंगे इक्वल। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ज्वाइन कर लेते हैं, लेट अस ज्वाइन ए सी एंड बी डी। ए सी डायगनल जो है ये रेक्टेंगल के, ये ज्वाइन कर लिया हमने। अब इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल लेंगे। देखो ए बी सी ट्राइंगल, ये ऊपर वाली ट्राइंगल लेंगे हम। इस ट्राइंगल में देखो पी क्यू लाइन जो है वो ए सी के क्या है, पैरल है। पी क्यू जो है पी ए बी का मिड पॉइंट है और क्यू बी सी का मिड पॉइंट है। तो पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी। तो यहाँ क्या यूज करेंगे हम, देन यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या आ जाएगा, जो पी क्यू लाइन है वो ए सी के पैरल आ जाएगी एक तो, और पी क्यू ए सी की क्या हो जाएगी, हाफ। तो पी क्यू पैरल ए सी एंड पी क्यू क्या हो जाएगी, 1/2 ए सी। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो नेक्स्ट ऑल्सो इन ट्राइंगल ए डी सी। अब ए डी सी ट्राइंगल लेंगे, ए डी सी ये नीचे वाली ट्राइंगल। इसमें देखो एस आर किसके, एस जो है ए डी का मिड पॉइंट है और आर है डी सी का मिड पॉइंट। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम से यहाँ से भी क्या आ जाएगा, एस आर ए सी के पैरेलल आ जाएगी और एस आर ए सी की हाफ आ जाएगी। तो यहाँ भी मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे ए डी सी ट्राइंगल में, एस आर ए सी के पैरेलल और एस आर इजक्वल टू हाफ ए सी। इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से पी क्यू ए सी के पैरेलल है और एस आर भी ए सी के पैरेलल है। तो पी क्यू और एस आर भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो लिख देंगे पी क्यू पैरेलल एस आर। अब देखो पी क्यू हाफ ए सी के इक्वल है, एस आर भी हाफ ए सी के इक्वल है, तो पी क्यू और एस आर दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। तो देखो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, पी क्यू एस आर के पैरेलल है, जो पी क्यू है वो एस आर के पैरेलल है और पी क्यू एस आर के इक्वल है। तो पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड का एक पेयर, ये वन पेयर पी क्यू एस आर के पैरेलल आ गया और इक्वल आ गया। तो लिख देंगे इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, सो इट इज ए पैरेललोग्राम। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड, कोई भी दो अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो तो वो क्या बन जाता है, एक पैरेललोग्राम। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो पी क्यू किसके पैरेलल आ जाएगा, क्यू आर के। तो ये पी क्यू पी एस, सॉरी पी एस किसके पैरेलल होगा, क्यू आर के, और पी एस इज इक्वल टू क्यू आर भी होगा क्योंकि ये क्या है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब देखो इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, फोर्थ। अब आगे करेंगे हम इन ट्राइंगल बी सी डी, क्यू एंड आर आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी एंड सी डी। देखो अब बी सी डी ट्राइंगल लेते हैं, बी सी डी ट्राइंगल, क्यू जो है बी सी का मिड पॉइंट है, आर किसका है, सी डी का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट है ये, तो क्यू आर किसके पैरेलल हो जाएगी, बी डी के, और क्यू आर बी डी की क्या हो जाएगी, हाफ। तो लिख देंगे क्यू आर पैरेलल बी डी एंड क्यू आर इज इक्वल टू हाफ बी डी। इसको मान लेंगे इक्वेशन फिफ्थ। अब देखो ऑल्सो ए सी इज इक्वल टू बी डी है ये हमारे पास, ए सी जो डायगनल है वो बी डी डायगनल के इक्वल होगा क्योंकि रेक्टेंगल के दोनों डायगनल क्या होते हैं, इक्वल। ब्रैकेट में लिखेंगे डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल। इसको मान लेंगे इक्वेशन सिक्स्थ। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ से क्या आ जाएगी, जो पी क्यू आर एस की चारों साइड क्या आ जाएंगी, इक्वल। तो पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, एक रोम्बस। तो हम पैरेलल प्रूव कर चुके हैं, पैरेललोग्राम के अगर चारों साइड इक्वल हो तो वो क्या होता है, एक रोम्बस। तो यही हमें प्रूव करना था।